नमस्कार साथियों, एक बार फिर विनायक न्यूज मध्य प्रदेश एक नई खबर आपके बीच में लेकर आया है। हम आपको बता रहे हैं विनायक न्यूज मध्य प्रदेश की जो मीडिया प्रभारी हैं सराली नेमा, उनके द्वारा जानकारी देती हुए हमको बताया है काफ़ी टाक रेडियो जो कि इंस्टाग्राम पर चलाया जाता है, इस रेडियो में ट्यूजडे के टाक के नाम से हर मंगलवार की रात में 9 से 9:30 बजे तक इंटरव्यू होता है जो कि आरजे सराली खुद लेती हैं। इस इंटरव्यू में नागपुर के रेफन ने भाग लिया है और उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में भी बताया है। हम आपको बता दें इस वीडियो को सुनने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम आईडी है सिवनी रेडियो। हम आपको बता दें इस इंटरव्यू में कोई भी आर्टिस्ट भाग ले सकता है, चाहे वह पेंटर हो या डांसर। तो आप देर ना कीजिए, कॉफ़ी टॉक रेडियो पर सर्च करके इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करें आरजे सराली विनायक न्यूज मध्य प्रदेश पर, यह खास खबर आपके लिए। आपको जल्दी जल्दी यू नो जवाब देना ताकि हमारे इस लिसनर सुन पाए कि हमारे रैपर्स की पर्सनल लाइफ कैसी हो सकती है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है 3 things जिसके बिना आप बाहर नहीं जा सकते। ऐसे कौन सी 3 चीज है जिसके बिना हमारे रैपर बाहर नहीं जा सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोबाइल, सेकंड वन मेरा चश्मा और तीसरा है मेरे नोट्स। ओके, चश्मा वाली बात बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लॉजिकली आपने आंसर दिया, बहुत ही स्मार्टली आंसर दिया, बहुत बढ़िया। सेकंड, अगर आपको अपने साथ किसी इंसान को साथ लेके कहीं हमेशा के लिए परमिशन मिल जाए तो आप किसको हमेशा अपने साथ रख के लेके जाना चाहेंगे? मम्मा, मम्मी को। और हम पूछ सकते हैं क्यों? Mama is everything for me. Okay, बहुत ही अच्छा जवाब है। थर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको फर्ज कीजिए कोई आइलैंड पे छोड़ दिया जाए तो वहां पे आप ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप लेके जाना चाहेंगे और ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप छोड़ना चाहेंगे? लेके जाने वाली चीज जो है वो सबसे पहले ऐसा कुछ जिसमें बैटरी हो, जो बैटरी से चले, मतलब जिसको बार बार चार्ज करने की जरूरत ना, और उसमें मैं म्यूजिक प्ले कर सकूं। और जिस छोड़ना चाहूँ वो ऐसी चीज मैंने अभी तक मतलब सोचा ही नहीं कुछ कि ऐसा कुछ है कि जिसको मैं छोड़ना चाहूँ। ओके, तो एंड ऐसी आपकी कौन सी प्लेस है जहाँ आप जाके अपनी रैपिंग करना चाहते हैं? ऐसी कोई सी वर्ल्ड में प्लेस होगी, ऐसी कोई सुकून वाली प्लेस होगी जहाँ आपने सोच के रखा होगा कि मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ रैप करना चाहता हूँ? वैसे तो कुछ सोचा नहीं मैंने, बट ऐसा है कि काफी कुछ जगह है जहाँ पे मैंने मतलब एक ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह तो नहीं है बट काफी सारी जगह है, तो अभी उतना सारा मेंशन करना क्विक रिस्पांस में पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन कुछ एक चीज ऐसी तो होगी जहाँ आप सोचते होगे कि नहीं हम यहाँ जाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक जगह है, मेरे फ्रेंड है जो मेरी टीम का को फाउंडर है शिवा, उसके साथ जाके मेरे को लास वेगास में कोई भी एक शो करने का, कोई भी एक शो लास वेगास में। That is my one of my favorite place. The lighting place. Okay, बहुत मजा आया हमें आपसे बात करके, एंड हम ये जानना और चाहेंगे कि हमारे जो रैपर हैं इतनी रैपिंग करते हैं, गले की एक्सरसाइज भी होती होगी, तो आप क्या खाना पसंद करते हैं जिससे आपकी इतनी प्यारी आवाज निकलती है? तो हमारे लिसनर्स को बताइए कि हमारे रैपर्स क्या खाते हैं, फेवरेट डिश क्या है आपकी?